नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। बिहार के छठे और सातवें दौर के चुनावी रण को साधने के लिए प्रधानमंत्री ने आज चंपारण के मोतिहारी और महाराजगंज में रैली की और इस दौरान प्रधानमंत्री ने इंडिया अलायंस, खासतौर पर कांग्रेस और आरजेडी को जंगल राज के मुद्दे पर निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री ने आरजेडी का नाम लिए बिना ये कहा कि जंगल राज वालों ने बिहार को सिर्फ बम बारूद और माफिया दिए हैं, अपहरण और फिरौती की इंडस्ट्री लगाई हैं और जिनके राज में सिर्फ बम बारूद, कट्टे और माफिया ही फले फूले हों, वो क्या बिहार को विकास दे सकते हैं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ये दावा किया कि लालू राबड़ी के शासनकाल में जंगल राज के कारण बिहार में प्रति व्यक्ति आय 33% गिर गई थी। उधर प्रधानमंत्री मोदी के जंगल राज वाले आरोपों के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया। तेजस्वी ने ये कहा कि प्रधानमंत्री काम की बात तो करते नहीं, सिर्फ मुझे और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को गालियां देने की बात करने के लिए बस बिहार आते हैं। इसी पर हम बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पेश है। बिहार की 40 सीटों को जीतकर 400 पार पहुंचने की मंशा लिए पीएम मोदी ने मंगलवार को बिहार में हुंकार भरी। बिहार के मोतिहारी और महाराजगंज में पीएम मोदी ने चुनावी रैली कर जनता से तीसरी बार जीत का आशीर्वाद मांगा, तो वहीं विपक्ष पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने मोतिहारी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए इंडिया अलायंस और खास तौर पर कांग्रेस और आरजेडी को जंगल राज के मुद्दे पर निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कहा कि जंगल राज वाले आरक्षण संविधान के बारे में झूठ बोल रहे हैं। पीएम मोदी ने आरजेडी का नाम लिए बिना कहा कि जंगल राज वालों ने बिहार को सिर्फ बम बारूद और माफिया दिए हैं, अपहरण और फिरौती की इंडस्ट्री लगाई, जिनके राज में सिर्फ बम बारूद, कट्टे और माफिया ही फले फूले, वो क्या बिहार को विकास दे सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार ने जंगल राज की वजह से पलायन झेला है, लेकिन अब एनडीए सरकार के राज में पलायन रुक रहा है। इन 60 सालों में इन लोगों ने बड़े बड़े महल बना लिए, स्विस बैंक में अकाउंट खुल गए, आपके पास पेट भरने को अन्न नहीं था, लेकिन इन लोगों को तिजोरी में नोटों की गड्डियों की गड्डियों, नोटों के पहाड़, उनकी अलमारियां नोटों से भरी रहती है। पहले 5 चरण का चुनाव पूरा हुआ है। पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त हो गया था, इसके बाद के चरणों में इंडी गठबंधन ध्वस्त हुआ और अब कल जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। खुद को जनता का माई बाप समझने वाले इन्हें जनता ऐसी करारी हार देगी, ऐसी करारी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। बिहार के महाराजगंज में पीएम मोदी ने चुनावी रैली में जंगल राज पर आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिन्होंने बिहार को जंगल राज दिया, नौजवानों को पलायन दिया, परिवारों को गरीबी दी, जो लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, जिन्हें अदालत ने दोषी साबित किया है, इन लोगों की आंखों में मोदी 24 घंटे खटकता है। कांग्रेस, आरजेडी और उसके साथियों ने हमेशा इस देश को पीछे ले जाने का खेल खेला है। ये खुद लाखों करोड़ के मालिक हो गए और जनता रोटी कपड़ा मकान के लिए जूझती है। जिन्होंने बिहार को जंगल राज दिया, नौजवानों को पलायन दिया, परिवारों को गरीबी दी, जिन्होंने बिहार के लोगों को मारा,
तड़पाया, माताओं बहनों का जीवन बर्बाद किया, जो लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, जिन्हें अदालत ने घोटाले का दोषी साबित किया है, इन लोगों की आंखों में मोदी 2400 घंटे खटकता है। उधर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी जंगल राज और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को घेरा। मंगलवार को पटना के बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीतारमन ने कहा कि बिहार में फर्स्ट टाइम वोटर को यहां के जंगल राज से हुए नुकसान को बताने की जरूरत है। सीतारमन ने दावा किया कि लालू राबड़ी की शासनकाल में जंगल राज के कारण बिहार में प्रति व्यक्ति आय 33% गिरा था। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम काम की बात तो करते नहीं हैं, सिर्फ मुझे और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को गाली देने बिहार आते हैं। तेजस्वी यादव ने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी इस बार साफ हो रही है, क्योंकि बीजेपी ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। बिहार में रोजगार, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, कारखाना, निवेश, ये सभी वादे अधूरे हैं, जिसकी वजह से बिहार के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप लोग बेड खाली कर दीजिए, और कुछ बचा है? काम की बात तो करते नहीं, खाली गाली देने आते तेजस्वी लालू जी को। बताए 10 साल में 39 सांसद लेके गए, क्या काम किया बिहार के लिए? कितने लोगों को नौकरी दिया? पेपर लीक पे मुंह नहीं खुलता है। नौजवानों का भविष्य, 25 करोड़ नौजवान हमारा ओवर एज हो गया, नौकरी नहीं पा रहा है। 25 करोड़ मुंह से आवाज नहीं निकलता इसके बारे में, पेपर लीक क्यों हो रहा है, क्यों नहीं बोलते? बिहार में बाढ़ आता है, एक मिनट का भी मीटिंग किए प्रधानमंत्री बाढ़ की समस्या को लेकर के? पटना जब डूब रहा था तब प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए थे? दरअसल बिहार में 1990 से 2005 के दौरान लालू यादव राबड़ी देवी का शासनकाल था, और इस काल को जंगल राज कहा गया। 5 अगस्त 1997 को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट ने पहली बार बिहार में जंगल राज का जिक्र करते हुए कहा था कि बिहार में सरकार नहीं है, बिहार में जंगल राज कायम हो गया है। इसीलिए कहा गया था, उस दौर में अपराध का ग्राफ बढ़ गया था और पूरे बिहार में बाहुबलियों का दबदबा हो गया था। तब से कोई भी चुनाव हो तो लालू राबड़ी शासनकाल पर विरोधी पक्ष जंगल राज को लेकर हमला जरूर बोलते हैं। अभी लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, ऐसे में जंगल राज की कहानी सुनाकर पीएम मोदी आरजेडी और कांग्रेस पर हमलावर है। तो आरजेडी रोजगार, महंगाई, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और संविधान बदलने की साजिश जैसे मुद्दों पर पलटवार कर रहा है। अब देखना है कि बाकी के छठे और सातवें चरण में बिहार की जनता किसके मुद्दे पर मुहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो मुद्दे कई हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसके अलग मुद्दे हैं, और विपक्ष की बात करें तो महंगाई, रोजगार से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे सामने लेकर आए जाते हैं, क्योंकि वक्त है लोकसभा चुनाव का। ऐसे में किसी भी तरह से किसी भी राज्य की जनता हाथ से ना फिसल जाए, इसीलिए मुद्दे अपने हिसाब से बदलते रहते हैं। लेकिन आज की बात बिहार को लेकर है। बातचीत के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे बातचीत करेंगे और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। पूनम सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है पूनम जी कार्यक्रम में। प्रमोद सिन्हा, प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रतिभा कुमारी सिंह, प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रतिमा जी, शुरुआत में पूनम सिंह जी आप ही के साथ करूंगी। लोकसभा चुनाव के बिहार में 40 सीटों के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी का यह अगला मुद्दा है, जंगल राज? बिल्कुल नहीं वक्ता जी, क्योंकि बिहार की बात करें या भारत की बात करें तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल काम किया है भारतीय जनता पार्टी के, वो विकास का मुद्दा है। इस विकास के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी हर घर पहुंच रही है, चाहे कार्यकर्ता हो या नेता हो। लेकिन बिहार की जो राजनीति 17 साल पहले रही वक्ता जी, ये किसी से छुपा नहीं है।
यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी जंगल राज की बात करते हैं तो इसमें 100% सच्चाई है, क्योंकि जितने भी घोटाले लालू प्रसाद यादव जी की सरकार रहते बिहार में हुई, लैंड फॉर जॉब से लेकर के चारा घोटाले तक सारे सर से लेकर पांव से ले लोग लिप्त हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने इनको देखा है, इनको झेला है। जिस तरह से बिहार के लोग बाहर जाते थे तो बिहार लोग अपने बिहारी बताने पर शर्मिंदगी महसूस करते थे, क्योंकि लोग उनको घृणित नजर से देखते थे, उनसे नफरत करते थे। लेकिन जब बिहार में एनडीए की सरकार आई तो ममता जी यही बिहार के लोगों पर सम्मान मिला, और भारतवासी जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विश्व में सर्वोच्च स्थान दिलाने का काम किया, आज नरेंद्र मोदी जी विश्व में सबसे पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, अपने कामों के बदौलत पूरी विश्व इनको स्वागत करते हैं, इनको सम्मान से देखते हैं। तो वक्ता जी हम लोग काम को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं, चाहे जनधन योजना की बात करें, चाहे उज्ज्वला की बात करें, चाहे 80 करोड़ गरीब जिस 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, कोरोना काल की बात थी जिस समय कोई व्यक्ति घर से बाहर नौकरी नहीं करने जाता था, उस समय भूखे कोई न रहे उसकी चिंता किसी ने की तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की। लेकिन आज पहले कुछ दिन पहले यही विपक्षी कहते थे कि ये लोग 5 किलो अनाज देकर क्या करते हैं, लेकिन यही कांग्रेस के नेता आज कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 10 किलो अनाज देंगे। आज ये लोगों को 5 किलो से 10 किलो अनाज देने में शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है, लेकिन कुछ दिन पहले यही लोग कहते थे कि 5 किलो अनाज देकर के कौन सी गरीबी दूर की है। ये सोचने वाली बात है वक्ता जी कि ये लोगों को विकास दिखाई नहीं देता है, ये लोगों को चाहिए कि चश्मा उतार कर देखे और या जनता के बीच जाकर के बात करे, जनता इनको जवाब देने का काम करेगी। जिसके घर में पक्का मकान नहीं था वो गरीब कभी सोचा नहीं हो कि हमको पक्का मकान भी मिलेगा, वैसे 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान किसी ने देने का काम किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार में हुई है। प्रमोद सिन्हा जी, देखिए लगातार इस बात को लेकर हमला बोला जा रहा है कि बिहार में जो सरकार थी 19 सालों से जिसने राज किया, सिर्फ और सिर्फ उसने जंगल राज किया और दंगे फसाद करके जनता को उस नर्क में धकेलने की कोशिश की है जो जनता का हक था ही नहीं। देखिए वक्ता जी, हम अभी सुन रहे थे, पूनम जी भी बहुत विस्तार से बोल रहे थे, उसके पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है वक्तव्य आपने सुनाने का काम किया। ये लोग 2005 से इन लोगों की सरकार है, एनडीए की सरकार है बिहार में, 2014 से 2024 तक जो अभी चुनाव हो रहे हैं केंद्र में 10 वर्षों से इनकी सरकार है। 20 वर्ष की अवधि जो है एक बड़ी अवधि होती है। खैर पहले हम इनके बातों पर जो 1990 और 2005 की बात ये लोग करते हैं उन तमाम बातों पर हम प्रकाश डालने का काम कर रहे हैं कि एनसीआरबी का जो आंकड़ा है उस आंकड़ा का ये लोग कभी खोल करके अध्ययन नहीं करते हैं कि वर्तमान में क्या स्थिति है। कल पटना में 2 हत्याएं हुई है पटना शहर के भीतर। पूनम जी पता नहीं पटना में ही तो रहती हैं, पूनम जी को लगता है पता नहीं रहता है इन सब चीजों का। और बता दें आपको 2005 में संज्ञेय अपराधों की जो घटनाएं थी उसकी संख्या जहां 10,000 1,04,778 थी वहीं 2018 में 62,802, 2019 में 268,902, 2021 में 282,067। साफ तौर पर सीधे सीधे बताइए प्रमोद जी, वक्त मेरे पास इतना नहीं है, सीधे सीधे बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। इतना विस्तार से जब पूछ रहे हैं तो एनसीआरबी का जो आंकड़ा है तो इन्हीं का आंकड़ा है, केंद्र सरकार का ही आंकड़ा है, उसका अध्ययन इनको करने की जरूरत है ना। जब आपकी सरकार थी, एक बात बता दीजिए, आपकी सरकार जब थी तो क्या जंगल राज नहीं था? क्या जंगल राज कायम नहीं किया गया? क्या बाहुबलियों का राज नहीं चलता था? क्या दंगे फसाद नहीं होते थे? क्या पटना हाईकोर्ट ने जिस रिपोर्ट पर सुनवाई की, जिस याचिका पर सुनवाई की, क्या वो झूठी थी? वक्ता जी आप समझिए कि जब जो है 1990 के दशक में जब लोगों को बोलने की आजादी नहीं थी, चप्पल पहनने की आजादी नहीं थी, ठीक ढंग से उनके तन पर कपड़ा नहीं था, क्यों? उस समय हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी 90 में जब आए सरकार में मुख्यमंत्री बने तो देश के दबे कुचले लोगों को आवाज देने का काम किया। ये इन लोग उसको जंगल राज बोलते हैं। समझने की जरूरत है इन लोगों को कि पहली बार जब हमारी
महिला मुख्यमंत्री जब बनी तो बिहार को सरप्लस बजट देने का काम किए। क्यों कहते हैं बार बार कि तमाम घोटाले आपकी सरकार में हुए? बक्का जी, बक्का जी, पहले आप जितना उन लोगों को समय दे रहे हैं पहले आप हमको आप सुन लीजिए ना, आप आरोप इतना लगाए हैं तो पहले सुन तो लीजिए सिलसिलेवार ढंग से। सुन रहे हैं सर। 2004 में जब इनकी अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी उस समय 25,000 करोड़ रुपया जो है केंद्र से बिहार सरकार को मिलता था। यूपीए गवर्नमेंट में पहले ही साल 1.5 लाख करोड़ रुपया देने का काम किया और लगातार निरंतर उसमें वृद्धि की गई। आप देखिए कि उस समय यूपीए गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री गरम सड़क योजना, मनरेगा, काम के बदले अनाज, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति योजना, तमाम योजना देने का काम किया जिससे बिहार प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ा। हम लोग हकमारी नहीं करते हैं बिहार का। क्यों क्यों कहते हैं ये जंगल राज्य अगर विकास चल रहा है तो? और एक लाइन सुन लीजिए, अभी जब बालिका गृह कांड हुआ था 2018 में, बालिका गृह जो होता है सरकार के संरक्षण में होता है, 32 लड़कियां छोटी छोटी बच्चियों पर जिस प्रकार से अपराध हुए, उन पर जो अत्याचार हुए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इन लोगों को नहीं, इन लोगों को नहीं बोला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? और जो वो जो केस था उसको यहाँ से दिल्ली तक ट्रांसफर किया गया। सवाल नहीं सुन रहे प्रमोद जी, धारण कर लेते हैं, एक तरफा डिबेट थोड़ी ना है। सवाल भी सुनिए फिर जवाब दीजिए। आप सवाल नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ जवाब ही दिए जा रहे हैं, सवाल भी तो सुनिए। बोलिए 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 वक्ता जी। मेरे पास वक्त की कमी है, मैं प्रतिभा जी का रुख करूंगी। प्रतिभा जी, आप लगातार इस बात को कहते हैं कि आरजेडी ने सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी की, जंगल राज फैलाया। सरकार तो आपकी भी थी इनके साथ, जब जंगल राज फैला रहे थे, जब गुंडागर्दी कर रहे थे, तो ऐसे लोगों के साथ आपको हाथ मिलाने की क्या जरूरत थी? क्यों सरकार बनाई आपने? वक्ता जी, हम यूं ही नहीं कहते हैं कि जंगल राज था और इन्होंने गुंडागर्दी की। सुन लीजिए, हमारे भाई साहब जो भी आंकड़े गिना रहे थे, मैं कहती हूँ कि आप 2005 से पहले वाला आंकड़ा जरा बता दीजिए कि बिहार में बिहार में कितने लोगों से फिरौती ली गई। अरे ये आंकड़ा क्यों नहीं आप पेश करते हैं? अरे भाई बिहार पूरे देश बताइए ना प्रतिभा जी, जब इतनी बुराइयां थी आरजेडी में, लालू प्रसाद यादव में, तेजस्वी यादव में, बीमारी है, फिर आपने क्यों सरकार बनाई? किसी की बात सुनते नहीं है? अरे सुन तो लीजिए भाई, आप बोल रहे थे तो बोल रहे थे क्या? अरे आप पहले सुन लीजिए प्रमोद जी, सुनने की आदत डालिए। जो आपने किया है ना पूरे देश के पटल पर है। आप क्या बोल रहे हैं? आपको बिहार पता है राज्य में कितनी महिलाओं को बंधक बनाकर के उनके साथ बलात्कार किया गया? आपके राज्य में कितने डॉक्टर का खनन हुआ, उनसे फिरौती मांगी गई? वो डेटा कहाँ है? नरसंहार का डेटा कहाँ है? प्रतिभा जी, आप इस बात को कह रही हैं, यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि जब आरजेडी में इतनी कमियां थी, इतना भ्रष्टाचारी थे, इतने दंगे फसाद थे, इतना जंगल राज फैलाया हुआ था, पटना हाईकोर्ट तक ने इस बात को कहा कि जंगल राज है, सरकार तो कहीं पर भी नहीं है पटना में या फिर बिहार की बात करें, तो फिर आपने ऐसे लोगों के साथ क्यों सरकार बनाई? क्यों हाथ मिलाया आपने? वक्ता जी, उसका भी जवाब है मेरे पास। जी बताइए। चूंकि वो इनके पिता का था उन कार्यकाल, और उनका बच्चा भी यही काम करेगा, कौन जा रहा था? हमने एक मौका दिया, लेकिन ये तो उसको दूसरे तरीके से, ये अपना सरकारी तंत्र को कब्जा करने में लगे हुए थे। इनको मौका दिया गया, दो दो बार मौका दिया गया, लेकिन ये लोग सुधरने वाले चीज नहीं है। ये लोग सुधरेंगे ही नहीं। इनका मकसद होता है सरकारी खजाने को लूटो, इनका मकसद होता है जनता को लूटो, उस पर अत्याचार करो। इनको समय दिया गया इनको सीखने के लिए, लेकिन ये सीख नहीं सकते हैं। ऐसे लोग हैं ये जंगल राज के युवराज, ये सीख नहीं सकते हैं। सुन लीजिए, अब आपने कहा इन्होंने राज कभी स्ट्रगल किया नहीं है, इन्हें स्ट्रगल नहीं पता, इन्हें सोने चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, इन्हें माफ की फिराकत मिल गई। यही काम करेंगे हमारे थे 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी। और सुन लीजिए, उस समय हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने स्किल डेवलपमेंट, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बेरोजगारी भत्ता, स्टार्टअप नीति। प्रमोद जी,
आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट मत लीजिए, आप नौकरी का क्रेडिट मत लीजिए, आप रोजगार का क्रेडिट मत लीजिए। अरे जिस काम को आदत देने का श्री नीतीश कुमार जी ने किया, पूरा बिहार क्या पूरा देश जानता है। और आप तेजस्वी जी के पास कोई विजन है क्या? तेजस्वी की बात करते हैं, कोई विजन है? 19 साल के पहले को अगर देखा जाए और अभी के देखा जाए, तस्वीर कहीं से भी दूर दूर तक फिलहाल बिहार की बदली नजर नहीं आ रही है। नौकरियां देने का काम बिहार का विकास आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने किया है और देश का विकास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। क्या बात करेंगे आप? क्या बात करेंगे? हर गरीब 5 kg अनाज खा करके यहाँ पल रहा है, आप क्या बात करेंगे? लोगों को रोजगार मिला है, लोगों को नौकरी मिली है। ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है डिबेट करने का। इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती। आप एक दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ सुनाना चाहते हैं। जनता क्या समझेगी, क्या समझेगी जनता? नहीं नहीं, ठीक से एक एक लहजा रखिए प्रमोद जी, प्रतिभा जी। जी कहिए प्रमोद जी। वही कह रहे थे, इन्होंने दो बार कहा, दो बार सरकार बना, मतलब तेजस्वी जी को इन्होंने मौका दिया। दोनों बार आप देखिए कि उस समय हमारे ज्यादा विधायक थे, 80 विधायक थे 2015 में, 2022 में जब सरकार बनी उस समय हमारे विधायकों की काम क्यों नहीं हुआ? विधायक आपके ज्यादा थे तो काम क्यों नहीं हुआ? आप सुन लीजिए ना, यही तो हम बोल रहे हैं, आप बीच में बोल रही है। 2022 में हमारे नेता का कमिटमेंट था 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में कि हम आएंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। जो ये लोग 4.5 लाख सरकारी रिक्त पद पर नहीं बहाली किए थे उस पर हमारे नेता ने कहा था। और 2022 में जब वो आए, देखिए 2 साल का इनको मौका मिला है एनडीए की सरकार को, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया। 2022 में जब हमारे नेता आए तब 5 लाख से अधिक सरकारी नियुक्ति करने का काम किए, एक विभाग में जो है 2.25 लाख सरकारी नौकरी दिए, आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट पॉलिसी लाने का काम किए। और कितनी चीजें गिना दी प्रमोद सिन्हा जी ने, कितनी चीजें बता दी, और आप फिर भी कह रही है जंगल राज है। वक्ता जी जरा प्रमोद जी से पूछिए, 2005 में आए तो ये खरबपति बने, बिहार के विकास नहीं किए, खरबपति बने। जरा प्रमोद जी से पूछिए कि इनका बच्चा राजद का बच्चा अगर प्रतिभा जी, प्रतिभा जी रुकिए, प्रतिभा जी संबंधी आता है इनके पास, प्रतिभा जी सुनिए, और ये बात करते हैं इनके नेता ने नौकरी दी, ठीक है, ठीक है। मुख्यमंत्री कोई पद होता है क्या? कोई संवैधानिक पद है क्या? इनके कोई अधिकार है क्या? ये तरीका ही नहीं है, ये तरीका ही नहीं है डिबेट करने का। आप लोग एक साथ बोलने लग जाते हैं ना, मैं कुछ समझ पा रही हूँ और ना आप, नहीं नहीं माफ कीजिएगा, वक्त नहीं है अब मेरे पास। आप लोग एक साथ बोलते हैं, कुछ समझ नहीं आता, ना जनता समझ पाएगी आपकी बात को और ना आप जिसे समझाना चाहते हैं वो समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। पक्ष में पक्ष में इतना ही, नमस्कार।